गुड मॉर्निंग एयर मॉर्निंग दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर हम मार्केट से 3600 रुपए का सामान लेते हैं और वही सामान अगर हम मोदी केयर से लेते हैं तो दोनों में हमको कितने रुपए का बेनिफिट्स होता है। आज हम दोनों का डिफरेंस करके देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम मार्केट को ले लेते हैं। अगर दोस्तों आप मार्केट में अगर मान लीजिए 3600 रुपए का सामान आप मार्केट से लेने जाते हैं, सामान सिलेक्ट कर दो, 3600 रुपए का बिल बनता है आपका मार्केट में, तो वहाँ आपको कितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिलता है? दोस्तों वहाँ हमको जो है 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं मिलता। और लेकिन वही सामान अगर हम मोदी केयर से लेते हैं तो यहाँ जो है हमको वही जो 3600 रुपए का सामान है वही समथिंग 3000 रुपए का मिल जाता है, क्योंकि मोदी केयर में जो हमको हमेशा 20 से 25% का डिस्काउंट हमेशा मिलता है। तो यहाँ जो है हमारा सीधा सीधा 600 रुपए की बचत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों देखा जाए अगर आप मार्केट में जो है मार्केट से 3600 रुपए का सामान लेते हैं तो वहाँ हमको कोई भी गिफ्ट नहीं मिलता, लेकिन मोदी केयर से क्या हमको हमेशा 10% गिफ्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो है हमें जो है 300 रुपए का 3000 की परचेज पे 300 रुपए का गिफ्ट अलग से मिल जाता है, जो कि मार्केट से हमको नहीं मिलता। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगर हम मार्केट से 3600 रुपए का सामान लेते हैं तो यहाँ पे जो है हमको कोई कैशबैक नहीं मिलता मार्केट में, लेकिन अगर हम मोदी केयर से सामान लेते हैं तो मान लीजिए 3000 रुपए के सामान के ऊपर हमको समथिंग 5 से 11% का डिस्काउंट मिलता है मोदी केयर में। तो अगर हम 5% जोड़ लेते हैं समथिंग 100 रुपये का डिस्काउंट जो है हमको मोदी केयर से मिल जाता है, तो एक बेनिफिट हमको ये और हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले बेनिफिट की बात करें, मान लीजिए मार्केट में अगर हम मार्केट से कोई सामान लेते हैं तो यहाँ पे हमको कोई अलग से बोनसेस नहीं मिलते, लेकिन अगर मोदी केयर से आप सामान लेते हो तो स्टार्टिंग में जो आपको यहाँ से समीर मोदी सुपर बोनस मिलता है, जिसके तहत स्टार्टिंग में आपको 200 से लेकर 250 रुपये का गिफ्ट मिलता है, कैशबैक अलग से आता है। तो यहाँ हमने 250 रुपये मिनिमम ले रखे हैं, तो एक बेनिफिट आपका ये हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा मोदी केयर में बेनिफिट आता है वो आता है लॉयल्टी का। दोस्तों अगर आप मार्केट से सामान लेते हैं तो यहाँ से आपको जो है कोई भी लॉयल्टी मतलब आपको कोई भी फ्री का सामान नहीं मिलता, लेकिन आप मोदी केयर से सामान जब लेते हैं तो अगले महीने आपको उसी अमाउंट का जो है आपको फ्री सामान मिलता है। जैसे अगर आप 3000 रुपये का सामान मोदी केयर से ले रहे हैं तो उसके नेक्स्ट अगले महीने में आपको यहाँ से 450 रुपये का जो है सामान बिल्कुल फ्री मिलता है मोदी केयर की तरफ से, एक बेनिफिट हो जाता है। अब दोस्तों अगर हम इन सभी बेनिफिट्स को जोड़ें तो यहाँ से जो है देखा जाए मार्केट से 3600 रुपए का सामान लेने पे हमको यहाँ कोई भी बेनिफिट नहीं होता, लेकिन हम वही सामान अगर हम मोदी केयर से लेते हैं तो यहाँ से अगर इसको हम टोटल करते हैं तो 1700 रुपए तक का बेनिफिट हमको यहाँ से हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ मार्केट से सामान लेने पे हमको 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन मोदी केयर से सामान लेने पे यहाँ से हमको जो है 1700 रुपए का बेनिफिट हो जाता है। तो दोस्तों यही एक छोटा सा कंपैरिजन था मार्केट और मोदी केयर में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोदी केयर में आने वाले नए ऑफरों की जानकारी, नए अपडेट्स की जानकारी और मोदी केयर से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।